आज सूर्य सप्तमी के पूर्व मालपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेल इनके माता पिता के पास इनके फोटोग्राफ और वीडियो जाएंगे तो यकीन है जैसा इनके माता पिता बड़े हर्षित होंगे। वो गीत गुनगुनाएंगे कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे बीच कहूँ या तारा, जग में मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा नाम बुलाना। इतना सुंदर दृश्य, इतना अनुशासित तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं और इन बच्चों के कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन आज के अतिथियों के द्वारा शिरकत। तमन्ना विचार कुछ इस तरीके का है कि इस दीप पर किलों में सूरज को ढाला जाएगा, देख लेना दूर तक इसका उजाला जाएगा। पूरे टोंक जिले के अंदर इस तरीके का कार्यक्रम केवल और केवल मालपुरा में हो रहा है। ये मालपुरा के होनार अनुशासित बहुत ही विनम्र बच्चे हमारे बीच में अंदर बतौर अतिथि इस समय हमारे बीच में मौजूद है उपखंड अधिकारी महोदय श्री मनोज कुमार जी, कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में मौजूद है नगर पालिका मंडल मालपुरा की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया मनीष सोनी, विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद है शहर अध्यक्ष भाजपा श्री त्रिलोकचंद जी जैन और हमारे एजुकेशन के हेड श्री शोजी लाल जी सीबीओ साहब और मुख्य वक्ता के रूप में श्री राम स्वरूप जी कनौजिया। आप सबके लिए यहाँ पर उपस्थित है, ये पहला कार्यक्रम होगा कि बच्चों का प्रोग्राम और बच्चों ने हमारे अतिथियों को बुलाया और हमारे अतिथि बच्चों के इस आमंत्रण को देकर यहाँ पर मौजूद है। आइए आप सबकी तरफ से मैं सबसे पहले हमारे सीबीओ साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारे और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण करके स्वागत करें। बहुत सुंदर कार्यक्रम, शॉल ओढ़ाकर सम्मान करें मुख्य अतिथि महोदय का, माल्यार्पण करें यूसी साहब मुख्य अतिथि महोदय का, माल्यार्पण करें पधारे और दुपट्टा उड़ाकर सम्मान करें मुख्य अतिथि महोदय का श्री प्रकाश चंद जी पाटनी। यूसीओ मालपुरा श्री जयसिंह जी के द्वारा स्वागत की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए दुपट्टा उड़ाकर सम्मान करेंगे। हमारे बीच में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए मालपुरा की प्रथम नागरिक चेयरपर्सन नगर पालिका मंडल मालपुरा श्रीमती सोनिया मनीष सोनी मौजूद है। आपके माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रण दूं प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पधारे श्रीमती अनुपमा कालरा शेरा जी, पधारे माल्यार्पण करके स्वागत करें अभिनंदन करें। रेखा जी गहलोत फिजिकल टीचर पधारे, आप दुपट्टा उड़ाकर चेयरमैन साहिबा का सत्कार करें। रेखा जी फिजिकल टीचर और बीना जी सैनी के द्वारा चेयरमैन साहिबा को दुपट्टा पहनाकर स्वागत। मैं आपके स्वागत के लिए आमंत्रण दूंगा श्री दीपक कुमार जी गुप्ता वरिष्ठ व्याख्याता करी, उसमें से एक नाम दीपक जी गुप्ता का भी है, जगदीश लाल जी का है, राजेंद्र जी का है, बहुत बहुत स्वागत। श्री जगदीश लाल जी गुजर उप प्राचार्य पधारे, दुपट्टा उड़ाकर सम्मान करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने विगत कई दिनों से लगातार अथक प्रयास करके इस कार्यक्रम को सजाया है, कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने हमें साथ दिया, हमारे बीच में मौजूद है, माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। श्री गिरधर जी शर्मा दुपट्टा उड़ाकर प्रधानाचार्य श्री सूरजमल जी शर्मा पधारे, दुपट्टा उड़ाकर सम्मान करें सीबीओ साहब का। यकीनन अतिथि इस समय मंच पर बैठे हुए बहुत हर्षित हो रहे होंगे, बहुत प्रफुल्लित हो रहे होंगे। इतना सुंदर विहंगम दृश्य यहाँ पे बच्चे ही बच्चे किस तरफ देखे, बच्चे ही बच्चे से संभव हो पाया है। इन सारे बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड पे उतार दो,
इस तरीके का दृश्य यहाँ दिख रहा है। तो लीजिए अब हम चलते हैं उस कार्यक्रम की ओर जिसके लिए एकत्रित हुए सूर्य नमस्कार। आज सूर्य करेंगे, नमस्कार करेंगे, आभार प्रकट करेंगे, धन्यवाद देंगे। इस मंगल भाव के साथ में आज हमें संपूर्ण पृथ्वी की तरफ से उस सूर्य को थैंक्स बोलना है, नमन करना है, उसका एक छोटा सा क्रिया हम यहाँ पे करेंगे। लीजिए आगे सूर्य नमस्कार की शुभारंभ करने के लिए मैं कमांड मंच सौंप देता हूँ श्री दिनेश जी को। धन्यवाद। हेलो, 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 आप सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। एक बार आप सभी को जय श्री राम। भारतीय जो हमारी संस्कृति है, जितनी वैभवशाली है, जितनी लाभकारी है, उतनी ही वैज्ञानिक आधारित भी है। साथ ही जब हम इस संस्कृति ने हमें वो सब कुछ दिया है, हम कोई भी कार्य करें उससे पहले कुछ मंत्र इस संस्कृति ने हमें दिए हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो कराके वस्ते लक्ष्मी से अपने दिन का प्रारंभ करते हैं। जब धरती में भी पांव रखते हैं तो धरती से क्षमा याचना करते हैं, और जब उठते हैं तो सबसे पहले अपने बड़े गुरुजनों का, माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं। हर कार्य से पहले पूरे काम जब तक हम करेंगे तो कार्य पूर्णता की ओर होगा। ऐसा ही कुछ सूर्य नमस्कार के साथ भी है। कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार यदि आपने कर लिया तो आपको कोई सा भी व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। सूर्य नमस्कार 13 मंत्रों का एक समूह है। ये 13 मंत्र जोर से हम पहली स्थिति में आ जाएंगे। एक मध्यवर्ती नारायण शशि जासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमयी वपुर धत शंख चक्र ओम मित्राय नमः। मित्राय नमः। हम एक पोजीशन में हैं, दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। हम और करना है हमें, आप बैठो। ये कार्य करना चाहिए। हमारे क्रीड़ा भारती संगठन ये 5 कार्यक्रम चला रखे हैं। हनुमान जयंती पर कुश्ती की प्रतियोगिता कराते हैं। 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, खेल दिवस होता है उस दिन। हॉकी की प्रतियोगिताएं और कार्य गोष्ठियां होती है। बालकों में क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा का भी चलन चला है। गत वर्ष क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसमें लाखों का इनाम बच्चों को दिए गए थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, पहले अपने ओलंपिक में एशिया में कोई पदक नहीं आते थे, लेकिन इस समय
पदकों से झोली बनने लगी है। हमारे प्रधानमंत्री जी खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं, खेल करके वापस आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं और उनको खत किराया देकर के अपने घर को रवाना करते हैं। तो खेलों के प्रति आपने